हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे हितेश शाह और कामराज के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो भाई स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये वीडियो सिर्फ इस वजह से देख रहे हो कि आप लोग हितेश शाह के बहुत बड़े फॉलोअर्स हो या आपको ऐसा लगता है कि हितेश शाह अपनी तरफ बिल्कुल भी सही है, तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कामराज को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए और कामराज का भी हक है अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश करने का, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। क्योंकि अब सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए, हमेशा वुमेंस लोग अपना वुमेन कार्ड खेल लेती है और जब भी वुमेंस के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम मर्द लोग उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। लेकिन जब किसी लड़के के साथ, किसी आदमी के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग सीधा सीधा उसको ही गिल्टी बताते हैं, क्योंकि वो एक लड़का है। तो लड़के होने का अगर ये साइड इफ़ेक्ट है तो भाई लड़की होना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लड़की लोग कुछ भी करे तो उनको एकदम ऐसे नज़र से देखा जाता है कि नहीं, बेचारी बहुत ही इनोसेंट है, बेचारी बहुत ही शरीफ है। लेकिन अगर लड़का कुछ ना भी करे तो उसको पहले ही गिल्टी मान लेते हैं। और इस केस में भी ऐसा हुआ कि हितेश शाह जो कि एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, यानी कि सोशल मीडिया पे इसके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, और दूसरी तरफ वो जोमाटो बॉय जिसको कोई नहीं जानता था, वो एक बहुत ही कॉमन इंसान, एकदम गरीब घर से बिलोंग करता है, इसकी माँ बीमार है, फादर की डेथ 15 ईयर्स पहले हो चुकी है और तब से ये ही अपने घर को चला रहा है। जोमाटो बॉय रोज की इनकम होती वो कितनी होती मैं आपको बता दूँ, 350 से 400 या मैक्सिमम 500 रुपया कमाते, वो भी सुबह से लेके जितना उनके 12 घंटे जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उसमें वो लोग बैक टू बैक खाना डिलीवर करेंगे, तो पर डिलीवरी का उनको 20 रुपये से लेके 40 रुपये मिलता है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि कितना गरीब बंदा है वो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कामराज की, 4.7 की रेटिंग मिली उसको आउट ऑफ 5 और उसने मोर देन 5000 डिलीवरीज की है। तो अब ऐसा बंदा जो इतना मेहनती है, उसको इतनी अच्छी रेटिंग्स मिली है और वो अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है, तो क्या वो ऐसी गलती कर सकता है? अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। हितेश शाह चंद्राणी ने एक खाना ऑर्डर किया, उसकी ऑलमोस्ट अमाउंट 198 रुपीज़ थी, तो वो खाना आने में 15 मिनट लेट हो गया। तो अब सवाल ये कि देखिए, कामराज जिसने होटल से वो खाने को पिक किया, तो अब रास्ते में दुनिया की ट्रैफिक रहती है, तो वो भाई ट्रैफिक से निकल के वो घर पे पहुंचा, जितना भी उसको टाइम हो वो गया। तो अब जब हितेश को खाना नहीं चाहिए था, उसके हिसाब से खाना आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो पहली बात तो हितेश को वो पार्सल घर में रखना ही नहीं चाहिए था, और दूसरी बात जो जोमैटो बॉय है जो बेचारा ये बोल रहा था कि भाई मुझे मैडम पैसा दे दो खाने का, तो उसने उसको खाने का पैसा क्यों नहीं दिया? ये कितनी गलत बात है, क्योंकि उस लड़के की कोई गलती नहीं है, उस आदमी की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है? ट्रैफिक की, रोड में जो ट्रैफिक है उसकी गलती है, होटल में अगर खाना देर से पका तो उसकी गलती है, इस बंदे को वो घर नहीं मिला हितेश का तो उस मोबाइल की गलती है, उस GPS की गलती है, वो जोमैटो बॉय की कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी मेहनत से वो लोग काम करते हैं, और यकीन मानो मैंने लॉकडाउन में इतनी बार खाना मंगाया और 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन वो बंदे लोग इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से अपने काम को अंजाम देते हैं, तो उसके लिए हमको उनको टिप देनी चाहिए। लेकिन टिप नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसे जो उनको गालियाँ देते या उनकी इंसल्ट करते, वो तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, तो तुम लोग जो उन पर इस तरीके का बिहेवियर करते हो वो सबसे पहला रॉन्ग है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हितेश शाह ने खुद ये एडमिट किया कि भाई उसने उसको स्लीपर से मारा है, और ये बोलती कि वो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। तो तुम किसी को स्लीपर से मारोगे ये चल जाएगा, तुम किसी की इंसल्ट करोगे वो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी बंदे ने अपने बचाव में अगर कुछ धक्का मुक्की कर दिया तो वो गलत है। और हितेश शाह बोलती कि भाई उसने पंच मारा, यार इस नोट्स को देखकर आपको ऐसा लगता है कि उसने पंच मारा होगा? एक कॉमन सेंस है, मतलब एक आदमी जब एक औरत को पंच मारेगा तो क्या बस ऐसी हालत होगी? ये एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, उसको वो बंदा पंच मारेगा तो ऐसी नाक फूटेगी? सीधा सीधा ये है कि भाई हितेश शाह की हाथ में जो रिंग है वो उसके नोज़ पे लग गई हल्का धक्का मुक्की में, तो ये कहाँ से पंच मारना हुआ? भाई एक फ्री के खाने के लिए अगर इंसान इस तरह से गिर जाता है, किसी गरीब की नौकरी खा लेता है, तो वो इंसान कहाँ से सही हुआ? तो इस वीडियो के थ्रू बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई इस केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो, और जो गिल्टी है चाहे वो हितेश हो या कामराज हो, उसको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई ये क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचे। और हितेश अगर ये सोच कर ये क्राइम की कि उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, वो रातों रात एक सोशल मीडिया स्टार बन जाएगी, तो उसने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आज की तारीख में लोग दोनों साइड को बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं। और मैंने पर्सनली दोनों साइड को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि भाई कामराज की इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, और अगर आगे चल के ऐसा होता है कि कामराज की फॉल्ट निकलती है
तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी हितेशा को मिलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पर कामराज को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और आपके हिसाब से कौन सही है। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर जो बुरी चीज़ है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी और जो अच्छी चीज़ है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ रहना है। तो यार बस इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।